क्वेश्चन करते हैं कि आपका कोई रिलेटिव तो नहीं है यूएस में, और आपसे पूछेंगे कि आप मैरिड हो के नहीं, क्योंकि अगर मैरिड हो तो वो थोड़ा चांस होता है कि हाँ भाई बंदा आएगा, घर आएगा, यूएस में बसेगा नहीं, क्योंकि वो वीज़ा आपको 5 साल का मिलता है और बहुत से लोग वहाँ पे बसने की सोचते हैं, तो वो उनको जान नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जय श्री राम। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो गई थी मुंबई से आने के बाद, बुखार, खांसी, ज़ुकाम, ये सब कुछ हो गया था, तो इसलिए कुछ कर नहीं पाए। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको C1D वीज़ा के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि C1D वीज़ा होता क्या है, किसे मिलता है C1D वीज़ा और कैसे मिलता है, उसके फ़ायदे क्या है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे पेज है, उनको भी जाके लाइक करो, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करो, ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स और क्विक अपडेट्स मैं वहाँ पे दे दूँगा आपको। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि C1D वीज़ा होता क्या है। तो C1D वीज़ा ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जो कि सिर्फ सीमेंस को मिलता है, और वो भी शिप पे बोर्ड होने के लिए, यानी कि अगर कोई भी शिप यूएस में है तो आपको C1D वीज़ा की ज़रूरत है शिप पे बोर्ड होने के लिए, और ये वीज़ा की वैलिडिटी होती है 5 साल की। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप यूएस शिप्स पे बोर्ड हो सकते हो और वहाँ से डिसेंबार्क भी हो सकते हो, और जब आपकी शिप यूएस में क्रूजिंग कर रही है तो आप यूएस पोर्ट्स पे बाहर घूमने के लिए जा सकते हो। तो घूमने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। कि मैं आपको मेरा पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि मुझे C1D वीज़ा कैसे मिला और मुझे क्या क्या करना पड़ा इस वीज़ा को मिलने के लिए। तो इस बार जो शिप पे मेरी ज्वाइनिंग है वो यूएसए में है, और यूएसए में है तो आपको C1D वीज़ा चाहिए वहाँ पे बोर्ड होने के लिए, शिप पे बोर्ड होने के लिए। और मेरे पास C1D वीज़ा था नहीं, मुझे कभी भी C1D वीज़ा का आया नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं यूएस में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, और C1D वीज़ा मेरा आ चुका है, जो मैंने आपको कहा था कि पासपोर्ट 2-3 4-5 दिन में आने वाला है, लेकिन 2-3 दिन में ही आ गया स्टैंप लगा के। तो कुछ ही दिनों में मेरी ज्वाइनिंग भी है, ज्वाइन होने वाले हैं हम लोग शिप पे। तो हाँ, मैंने क्या किया था, तो दरअसल ये हुआ था, मुझे दिसंबर 25 या 26, लाइक एंड ऑफ द दिसंबर एंड ऑफ द मंथ में दिसंबर के मुझे ज्वाइनिंग आ गई थी कि आपकी ये शिप में ज्वाइनिंग है, और ये शिप आपकी यूएस में है, न्यूयॉर्क में, और वो न्यूयॉर्क में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो आपको C1D वीज़ा कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर कुछ दिनों बाद, मान के चलो 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते, करेक्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी 3 या 4 तारीख को मुझे मेल आया कंपनी से एप्लीकेशन फॉर्म का, यूएस वीज़ा का, और वो मुझे भर के उन्हें सेंड करना था। तो एप्लीकेशन फॉर्म आया, और वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो कि क्या कहते हैं उसको, एक रेफरेंस फॉर्म भी भेजते हैं जिसको आप रिफर करके भर सकते हो। वैसे मैं एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको भी काफ़ी आसानी होगी अगर कभी आपको C1D वीज़ा के लिए फॉर्म भरना होगा। बेसिक डिटेल्स होती हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, आपकी बायोडाटा, और कि आप कभी यूएस गए हैं कि नहीं, यूएस में कोई रिलेटिव है कि नहीं, और काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो उसमें पूछते हैं, और कितनी कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर चुके हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन फॉर्म में होती हैं जो आपको फिल करके भरनी है। तो मैंने फिल करके भर दी थी, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एजेंसी को देना होता है, क्योंकि एजेंसी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है, तो वही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजती है, और फिर आपको सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ 4 या 5 दिन के बाद मुझे एक मेल आता है, और वो एक पेमेंट का मेल होता है, यानी कि आपको अभी पेमेंट करना है। तो C1D वीज़ा के लिए आपको पेमेंट पहले ही करना होता है, और वो एक डिमांड ड्राफ्ट जैसा आता है, पेपर आता है, उसके अंदर एक लिंक होती है जिसपे वो पेमेंट होगा, और 2 बैंक देते हैं, सिटी बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों किसी बैंक में जाके आप ये पेमेंट कर सकते हो। और नॉर्मल बेसिकली आपको, जैसे कि आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना पैसे, उस तरह से आपको डिपॉजिट करने हैं, और इसकी फ़ी कुछ $189 है, लेकिन आपको इंडियन रुपीस में पे करना है, तो कुछ 15,545 कुछ ऐसा है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट स्क्रीन पे देख सकते हो आप, तो आपको पे करना है। और ये लिंक जो होती है वो 2 या 3 दिन में एक्सपायर हो जाएगी, तो 2 या 3 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट करना होता है। तो मैं गया, नेक्स्ट डे चला गया, जिस दिन मेल आया था नेक्स्ट डे चला गया बैंक में,
और पेमेंट मैंने कर दिया, और पेमेंट के बाद में वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं कि योर पेमेंट इज़ डन। तो रिसिप्ट फिर मैंने अपनी एजेंसी को भेजी और कहते हैं कि मतलब आफ्टर 24 आवर्स, जैसे कि पेमेंट होने के 24 आवर्स के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट स्लॉट है वो बुक हो जाता है। तो मुझे पता नहीं था, तो एजेंसी को ही मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि 48 आवर्स लगते हैं, वैसे 24 आवर्स में काम हो जाता है, तो ठीक है। तो मेरा भी कुछ 24 आवर्स, जैसे कि आज मैंने पेमेंट किया तो नेक्स्ट डे में ही मुझे अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल गया था, और मेरा अपॉइंटमेंट स्लॉट 6 तारीख और 7 तारीख को मिला फरवरी में। तो मैंने पेमेंट किया था कुछ 8 या 9 तारीख को। तो आप सोच सकते हो कि कम से कम 1 महीना लग ही जाता है अपॉइंटमेंट मिलने के लिए, जस्ट जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ कि आप, वैसे मेरे इंटरव्यू से कुछ 4-5 दिन पहले, मान के चलो एक हफ्ते पहले मुझे कंपनी कुछ और डॉक्यूमेंट्स भेजती है जो है DS-160 फॉर्म। तो DS-160 फॉर्म ये लाइक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके अंदर आपकी डिटेल्स होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है C1D वीज़ा के लिए। तो DS-160 फॉर्म भेजा, अपॉइंटमेंट लेटर फिर से भेजा, और क्वेश्चंस आस्क्ड इन द US C1D वीज़ा, मतलब एजेंसी ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे और कहा था कि इन क्वेश्चंस को जाने से पहले थोड़ा पढ़ लेना, बायहार्ट नहीं करना है बट थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि तुमको आसानी हो। तो मैं ये लास्ट में बताऊंगा कि C1D वीज़ा की मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो कुछ दिन पहले आ गए और कहा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपका पासपोर्ट, ओल्ड प्लस न्यू। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो उस एक्सपायर वाले पासपोर्ट को भी लेके जाना है और नए वाले पासपोर्ट को भी लेके जाना है। फिर पनामा सीमेन बुक, मेरे पास पनामा सीमेन बुक है क्योंकि हमारी जो शिप्स है उनका जो फ्लैग होता है वो पनामा का होता है, तो मेरा पनामा सीमेन बुक है और प्लस इंडियन सीमेन बुक है जो इंडियन सी फेरस के लिए होता है। तो ये दोनों बुक आपको लेके जानी है। अगर आपकी ये बुक भी लाइक इनकी तो 5 साल की या 10 साल की कुछ वैलिडिटी होती है, तो वो भी अगर एक्सपायर हो गई है तो एक्सपायर वाली भी लेके जाओ। फिर आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो भी आपने पढ़ाई करी है उसकी मार्कशीट्स, और आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, वो भी आपको लेके जाने हैं। और जैसे कि DS-160 फॉर्म, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ये चीज़ आपको लेके जानी है। और एक डॉक्यूमेंट है जो कि कवर लेटर होता है जिसके जो आपको एजेंसी देती है उसके अंदर आपकी पूरी डिटेल्स होती है, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और किस शिप पे आपकी ज्वाइनिंग है, कौन से पोर्ट पे आपकी ज्वाइनिंग है, कौन से दिन आपकी ज्वाइनिंग है, सारी डिटेल्स उसमें होती है कवर लेटर में। तो वो मुझे एजेंसी में जाके कलेक्ट करना था। उन्होंने कहा था कि ये जो पेपर है वो सिर्फ आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए चाहिए। तो आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको हमारी एजेंसी में ऑफिस में आना है कलेक्ट करने के लिए। तो हमारी जो MSC की जो क्रू एजेंसी है वो मुंबई में ही है, अंधेरी कुर्ला। तो बायोमेट्रिक्स में कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है नॉ। तो फिर वहाँ पे बस वही फिंगरप्रिंट्स, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, DS-160 फॉर्म वहाँ पे चेक करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर आपका चेक करते हैं, पासपोर्ट, सीमेन बुक, ये सारी चेक करते हैं वहाँ पे। और चेक करने के बाद जैसे आपका बायोमेट्रिक्स हो जाए तो वहाँ से वो आपको भेज देते हैं, आप फिर वहाँ से निकल सकते हो। तो वहाँ से निकल के मैं अपनी एजेंसी के ऑफिस गया और वहाँ से मैंने अपना जो कवर लेटर था वो लिया। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, वो है आपका US एम्बेसी में इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा जो इंटरव्यू था वो सुबह 7:40 का मेरा अपॉइंटमेंट टाइम था। तो सोच सकते हो अर्ली इन द मॉर्निंग 7:40 में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। तो आप सोच सकते हो कि क्या इतने जल्दी ऑफिस ओपन हो जाता है। हाँ, हो जाता है। और सब लोग वहाँ पे 6 बजे ही पहुँच गए थे, मैं भी 6 बजे पहुँच गया था। और अंदर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया 1 घंटे पहले आपको लाइन में खड़ा कर देते। तो जैसे 7:40 का मेरा अपॉइंटमेंट था तो मैं 6:40 पे लाइन में वहाँ पे खड़ा था। तो फिर बाद में वो अंदर नॉर्मल होता है, और वहाँ पे भी आप बैग नहीं लेके जा सकते और उनके पास ना ही लॉकर है, आपको बाहर से अरेंज करना पड़ता है। जो US एम्बेसी है जहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा वहाँ पे आपको बैग रखने के लिए बाहर अरेंज करना पड़ेगा, और अंदर आप मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन का एक लॉकर है, लॉकर पे रखना है आपको मोबाइल फ़ोन, और उसका चार्ज है 50 रुपीज़। तो मोबाइल फ़ोन का चलता है। तो C1D क्वेश्चन में ऐसे ही वहाँ पे भी थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं और फिर आपको लाइन में खड़े करते हैं, और लाइन से
बैठे होते हैं, और ये जो आपका इंटरव्यू रहते हैं वो एक्चुअल यूएस सिटीजन्स होते हैं, ऐसे नहीं कि इंडियंस वहाँ पे बैठे, नहीं, वो यूएस एम्बेसी के ही आदमी होते हैं, एकदम गोरे वाले, उनका एक्सेंट लेवल इंग्लिश अलग ही लेवल की होती है, और लैंग्वेज के ऊपर भी रहता है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप दूसरी कोई लैंग्वेज में भी इंटरव्यू दे सकते हो जैसे कि बहुत से लोगों ने दिया हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी है, उसमें क्या आता है इंटरव्यू में यूएस एम्बेसी का ही बैठा है आदमी, और साइड में वो एक इंडियन बंदे को बैठाते हैं जो लैंग्वेज प्रिफर करता है, तो वो क्वेश्चन करता है इंग्लिश में और ये बंदा उसको सिर्फ ट्रांसलेट करता है, तो उस हिसाब से इंटरव्यू होता है, तो लैंग्वेज वो हिंदी में उसको समझाता है और ये बंदा उसको इंग्लिश में समझाता है, तो ट्रांसलेट ऐसा हो जाता है। मैंने तो इंग्लिश ही चॉइस किया था, अब इंग्लिश ठीक है अपनी, इतनी ख़राब नहीं, अच्छी है, तो इंग्लिश ही सेलेक्ट किया था। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस किए नहीं, मैं गया, उन्होंने मेरी जो कवर लेटर है वो ली, सिर्फ वही उन्होंने देखा, और उन्होंने अरे सीमेन है कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मैंने कहा मेरे 5 कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ये 6वां कॉन्ट्रैक्ट है, तो बस हो गया वहाँ पे कंप्यूटर में, उसने बोला ठीक है 5-7 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। तो मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए नहीं, पता नहीं मैं लकी था या क्या था, मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन किया नहीं, बहुत से लोगों से करते हैं क्वेश्चन, तो मैं अब आपको बता दूं कि क्वेश्चंस वो कैसे कर सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चंस वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट, और काफ़ी लोगों को बस इसी की चिंता होती है कि पर्सनल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, जो फ्रेशर होता है जो शिप पे पहली बार ज्वाइन हो रहा है उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, बहुत से लोग फ्रेशर फर्स्ट टाइम जाते हैं वो रिजेक्ट ही हो जाते हैं, तो उनसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं कि आप शिप पे क्यों जाना चाहते हो, तो आपको एक्चुअल रीज़न बताना चाहिए कि मुझे शिप पे पैसे कमाने जाना है, मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उनका मेन मोटिव ये होता है कि कहीं आप यूएस में बस तो नहीं जाओगे ये वीज़ा लेके, तो आपको उन्हें कंसल्ट करना होता है कि नहीं मेरा कोई रिलेटिव यूएस में है नहीं, जैसे वो क्वेश्चन करते हैं कि आपका कोई रिलेटिव तो नहीं है यूएस में, और आपसे पूछेंगे कि आप मैरिड हो कि नहीं, क्योंकि अगर मैरिड हो तो वो थोड़ा चांस होता है कि हाँ भाई बंदा आएगा, घर आएगा, यूएस में बसेगा नहीं, क्योंकि वो वीज़ा आपको 5 साल का मिलता है और बहुत से लोग वहाँ पे बसने की सोचते हैं, तो उनको जानना बस यही होता है कि क्या आप यूएस में बस जाओगे क्या, तो आपको इस तरह से उन्हें कंसल्ट करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं वो पूछेंगे डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन यूएस, तो आप कहोगे नो आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स इन यूएस, फिर वो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको यूएस में लैंड में जॉब मिलती है तो आप करोगे कि नहीं, तो आपको क्या कहना है नहीं C1D वीज़ा मुझे अलाउ नहीं करता कि US में मैं जॉब करूं, ये वीज़ा सिर्फ मुझे शिप पे बोर्ड होने के लिए ही दिया गया है, तो मैं सिर्फ शिप पे बोर्ड होने के लिए वीज़ा का यूज़ करूंगा और फिर वापस अपने घर आऊंगा, क्यों मेरी फैमिली है और मुझे फैमिली को टेक केयर करना है, तो इससे वो समझ जाएंगे कि हाँ बंदा जेन्युइन है और इसके घर परिवार यहाँ पे है तो US में नहीं बसेगा, तो ये उनका सबसे मेन मोटिव होता है। फिर और भी क्वेश्चंस वो आपसे कर सकते हैं, जैसे आप शिप में जा रहे हो और आप जैसे आप बार बॉय एज ए बार बॉय जा रहे हो, तो आप एक दो क्वेश्चन वो आपके बार बॉय के भी कर सकते हैं कि कोई ड्रिंक्स के नाम बताओ, ये बताओ, ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपको जॉब के बारे में क्या पता है। फिर आपको शिप के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपने STCW कोर्स कर लिए, कितने STCW कोर्स होते हैं, उसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कोर्सेज के नाम पूछ सकते हैं, कि आप क्या जा रहे हो, और कंपनी के बारे में भी पूछ सकते हैं आपको MSC कंपनी कैसी क्या है, तो मतलब जो भी कंपनी का आप हो उसके बारे में पूछेंगे आपको, तो ये भी सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके चाहिए। और हाँ मैं आपको लिंक एक भेज देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मैंने जैसे बताया कि C1D वीज़ा में पर्सनल इंटरव्यू मेन मोटिव उनका यही होता है कि आप US में बस कहीं बस ना जाओ, US में ही ना रह जाओ, तो आपको उस तरह से उनको कंसल्ट करना है कि नहीं मेरी फैमिली यहाँ पे है, मैं सिर्फ शिप पे 8-6 महीने काम करने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से मैं वापस आऊँगा अपने घर, तो ऐसे आपको उनको राजी करना है तभी आपका C1D वीज़ा क्लियर होगा, अदरवाइज वो पेंडिंग में चला जाएगा और फिर रिजेक्ट हो जाएगा और फिर से आपको पे करो, बहुत सौ झंझट है, क्योंकि C1D वीज़ा पहली टाइम में एज अ फ्रेशर के लिए काफ़ी टफ है, जो ऑलरेडी एक दो कॉन्ट्रैक्ट मार चुके हैं उनके लिए बहुत ईजी है, उनके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, जैसे मेरे साथ तो कुछ भी नहीं पूछा, और मेरे साथ का एक लड़का था बस उससे ये पूछा कि आप क्या काम करते हो शिप पे, तो उसने बताया मैं IT मैनेजर हूँ, IT में क्या काम करते हो,
वो चीज बताई। तो बस ऐसे ही आपके काम रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं जो कि आप ऑलरेडी आंसर दे सकते हो। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अब इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह का चाहिए, क्या चाहिए। और हाँ, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो सॉरी, माफ करना, खांसी वासी थी। तो बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।